Hello my dear friends, today we will read class 5th chapter 6 the chocolate factory, यानी कि चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में बात होंगी। जो चॉकलेट हम खाते हैं कैडबरी की मिल्क डेरी आती है, बहुत सारी चॉकलेट आती हैं, तो करेक्ट करना है सर यहाँ पर मेक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक ए चॉकलेट, यानी कि मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करनी है आपको इंग्रेडिएंट्स की, उन सामग्रियों की, उन घटकों की रिक्वायर्ड टू मेक ए चॉकलेट, जो कि एक चॉकलेट बनाने में आवश्यक होते हैं। कम्युनिकेट करना है, टेक टर्न्स इन क्लास टू नेम ए फूड आइटम दैट कंटेन्स चॉकलेट। टेक टर्न्स इन क्लास टू नेम ए फूड, क्लास में ही बताना है एक फूड का, फूड आइटम का दैट कंटेन्स चॉकलेट, जिसमें कि कुछ चॉकलेट्स हों, यानी आपको एक ऐसे भोजन का नाम बताना है, एक ऐसे खाने का नाम बताना है जिसमें चॉकलेट हो। यू कैन नॉट रिपीट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड वंस, आपको रिपीट नहीं करना है, जो आप एक बार बोल देंगे तो दोबारा आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। सेलिब्रेट, इमेजिन एंड ड्रॉ ए चॉकलेट बार ऑफ योर ऑन, आपको यहाँ पर इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, और एक चॉकलेट बार के, चॉकलेट की जो चॉकलेट जो होती है, इस तरीके से आपको एक डिज़ाइन बनानी है। गिव इट ए नेम, उसमें उसको आपको एक नेम देना है, टाइप भी करना है, रैपर भी देना है, रैपर डिज़ाइन भी करनी है, और एक्सेट्रा, और भी जैसे आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसको आपको डेकोरेट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन। Nothing like a chocolate to perk you up, isn't it? तो nothing like नहीं, कुछ भी नहीं है एक चॉकलेट के जैसा अधिक खुशी देने वाला या अधिक प्रफुल्लित करने वाला, isn't it, है ना? When we think of chocolate, जब हम चॉकलेट के बारे में सोचते हैं, our mind unwittingly wanders towards a shiny purple wrapper. तो जैसे हम चॉकलेट के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड, यानी कि हमारा जो दिमाग है, अनजाने में, अनविटिंगली बोलते हैं, अनजाने में ही वांडर्स, घूमने लगता है, कहाँ घूमने लगता है, टूवर्ड्स ए शाइनी पर्पल रैपर, यानी एक शाइनी यानी चमकीला पर्पल यानी गुलाब, वो पर्पल यानी कि जो नीले रंग का होता है चॉकलेट का रैपर, उसकी तरफ घूमने लगता है। फ्रॉम टाइम, समय के अनुसार क्या था, इमेमोरियल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन या फिर बहुत पुराना, द वर्ल्ड चॉकलेट हैज़ बीन सिनोनिमस विथ कैडबरी, ये जो इमेमोरियल वर्ल्ड है वो, यानी कि द वर्ल्ड चॉकलेट, जो चॉकलेट वर्ल्ड हैज़ बीन सिनोनिमस, एक समान ही है विथ कैडबरी, कैडबरी के समान ही बहुत पुराना है। एवर वंडर्ड हाउ दिस चॉकलेट केम इन टू बींग, तो एवर वंडर्ड, तो ये जानना है, ये देखना है, अगर बॉन्डर जो ऐसे हाउ दिस चॉकलेट केम इन टू बींग, कि चॉकलेट जैसे खाने के लिए कब से आई या कैसे आई। लेट अस फॉलो द स्वीट सेंट ऑफ कोकोआ टू फाइंड आउट मोर, तो लेट अस फॉलो करना है द स्वीट सेंट, यानी स्वीट खुशबू जो होती है, प्यारी प्यारी जो खुशबू होती है, मीठी मीठी खुशबू जो होती है कोकोआ की, टू फाइंड आउट मोर, उसमें आपको और भी ढूंढना है। द जॉन कैडबरी वॉज वन ऑफ 10 चिल्ड्रेन ऑफ रिचर्ड ट्रैपर कैडबरी, तो एक जॉन कैडबरी थे, वन ऑफ 10, दसवें बच्चों में से एक बच्चे थे, किसके, रिचर्ड टैपर कैडबरी, ठीक है, एन इंग्लिश क्वेकर, जो कि एक अंग्रेज, एक क्वेकर थे, क्वेकर बोलते हैं एक खाद्य कंपनी, क्वेकर बोलते हैं खाद्य कंपनी, यानी खाना बनाने वाली कंपनी, हु हैड मूव टू बर्मिंगम, जो कि बर्मिंगम में आकर के बसे थे, इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में था, फ्रॉम द वेस्ट कंट्री इन 1794, एक वेस्ट कंट्री थी, वहाँ से ये आकर के बसे थे 1794 में। इन 1834 व्हेन जॉन कैडबरी वाज 22 ईयर्स ओल्ड, 1824 यानी कि 1824 की बात है, कोकोआ एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, कोकोआ और जो ड्रिंकिंग चॉकलेट थी हैड बीन ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, पहले ही पहचानी गई थी, पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी इन इंग्लैंड में, बट इट स्टिल रिमेंड ए लग्जरी, लेकिन ये अभी भी एक लग्जरी के रूप में चल रही थी, एक विलासिता के रूप में चल रही थी, विच ओनली द एलाइट, लग्जरी का मतलब है जो संभ्रांत लोग होते हैं, जो खाने पीने का शौक होता है, यानी कि इसको एक भोग के रूप में, इसको भोग आनंद के रूप में इसके लिए रखते थे, विच ओनली द एलाइट्स कुड एन्जॉय, जिससे केवल एलाइट ही
यूज कर सकते थे, इसका एंजॉय कर सकते थे। वो कौन एलाइट बोलते हैं? एक संभ्रांत व्यक्ति, यानी समाज का एक विशिष्ट वर्ग होता है, यानी कि एक प्रकार से हम बोलते हैं रिच फैमिली, ठीक है ना। सिंस कोकोआ बीन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड द वेस्ट इंडीज, जो कि कोकोआ जो बीन्स थे वो मंगाई जाती थी, कहाँ से ले जाती थी? फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ और जो सेंट्रल अमेरिका था, एंड द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज से ये कोकोआ बीन्स मंगाई जाती थी, ठीक है। अब आगे देखें, ओनली द मोस्ट प्रॉस्पेरस फैमिलीज कुड अफोर्ड टू बाय दिस डेलिकेसी, यानी कि मोस्ट ऑफ द, यानी कि अधिकतर जो प्रॉस्पेरस यानी कि संबद्ध समृद्ध, यानी कि जो अमीर व्यक्ति थे, अमीर जो फैमिली थी, वो इसको सहन कर सकती थी, इसी को वहन कर सकती थी। अफोर्ड टू बाय दिस डेलिकेसी, डेलिकेसी बोलते हैं इस मिठास वाली जो चॉकलेट थी वो इसी को अफोर्ड कर सकते थे। जॉन कैडबरी एंजॉयड एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज मोर्टार एंड पेस्टल, तो जो जॉन कैडबरी थे वो अपने मोर्टार और पेस्टल के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और एंड प्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ कोको एंड चॉकलेट ड्रिंक्स विद देम, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ वो भिन्न भिन्न प्रकार के कोको और चॉकलेट ड्रिंक्स बनाते रहते थे उनके साथ में। दिस प्रोडक्ट्स वर देन सोल्ड एज स्वीटेंड और अनस्वीटेंड कोको एंड चॉकलेट ब्लॉक्स, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाते थे वो बेचे जाते थे, कुछ तो मीठे स्वीटेंड यानी मीठे किए हुए, कुछ अनस्वीटेंड यानी कि मीठे ना किए हुए, कोकोआ के रूप में और चॉकलेट ब्लॉक्स के रूप में वो बेचे जाते थे। द कस्टमर नीडेड टू स्क्रैप ए बिट ऑफ दिस ब्लॉक एंड एड हॉट मिल्क और वाटर टू मेक ए टेस्टी बेवरेज, तो कस्टमर को नीडेड टू स्क्रैप, उसको खरीदना पड़ता था, उसको कजोटना पड़ता था, उसको मतलब खींचना पड़ता था, यानी कि इसके बोलते हैं उसको वैसे हाथ डाल किस चीज़ को निकालते हैं, ठीक है। अ बिट ऑफ दिस ब्लॉक, उस जो ब्लॉक होते थे उनको खरीदना पड़ता था, एंड एडेड हॉट मिल्क, उसमें गर्म दूध डालना पड़ता था और वाटर या फिर गर्म पानी डालना पड़ता था, टू मेक ए टेस्टी बेवरेज, एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनाने के लिए कस्टमर को उसमें गर्म दूध या फिर पानी या फिर अदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती थी। Got it? John also had a talent for advertising and promoting his products. John में एक और प्रतिभा थी, एक और टैलेंट था फॉर एडवर्टाइजिंग, किसका था? विज्ञापन करने का भी उसके अंदर टैलेंट था, एंड प्रमोटिंग हिज प्रोडक्ट्स, और अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको प्रचार करने का भी उसमें टैलेंट था। द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ही प्लेस्ड इन द बर्मिंघम गैजेट, तो उसने फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट यानी कि पहला विज्ञापन दिया था उन्होंने बर्मिंघम गैजेट में इन मार्च 1824, वो दिया था मार्च 1824 में। डियर जॉन कैडबरी इज डिजायरस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टू पार्टिकुलर नोटिस कोकोआ निब्स प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ ए न्यूट्रिशियस बेवरेज फॉर ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने उस पर कुछ लिखा भी था कि जॉन कैडबरी इच्छुक है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टू पार्टिकुलर नोटिस, उन्होंने एक नोटिस लिखा था उसके ऊपर, कोकोआ निब्स प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ, यानी कि वो उनके खुद के द्वारा बनाए गए थे प्रोडक्ट जितने भी थे, ए न्यूट्रिशियस यानी कि पौष्टिक थे बेवरेज फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट बेवरेज, यानी कि बोल सकते हैं हम एक पौष्टिक था नाश्ते के लिए पेय पदार्थ, ठीक है। आगे देखेंगे, ही इज ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी बोला था टू हैव डेकोरेटेड हिज शॉप, उन्होंने अपने शॉप को डेकोरेट भी करना पड़ा था, सजाना ही पड़ा था, किसके लिए? कैसे? विद एन एक्सपेंसिव प्लेट, कैसे सजाना पड़ा था, कैसे उनको सजाना पड़ा था कि उन्होंने एक बहुत महंगी महंगी प्लेट अपनी दुकान में रखी थी, ग्लास विंडो लगाए थे, कांच की विंडो लगवाई थी, एंड एम्प्लॉयड, और उन्होंने एक चाइनीज मैन को एम्प्लॉयड के रूप में वहाँ पर रखा, यानी कि एक एम्प्लॉय बनाया चाइनीज मैन को, यानी कि वहाँ पर उसको हायर किया। इन ए फुल नेशनल कॉस्ट्यूम, जो कि एक फुल राष्ट्रीय कॉस्ट्यूम यानी कि पोशाक में होता था, टू सर्व इन द शॉप, यानी कि जो दुकान में खाना खाने जो लोग आते थे उनको सर्व करने के लिए उन्होंने एक चाइनीज मैन को हायर किया था। दिस वाज ए ह्यूज नोवल्टी एट दैट टाइम, ये जो एक ह्यूज बोलते हैं विशाल, नोवल्टी बोलते हैं नयापन, ये बहुत बड़ा नयापन था एट दैट टाइम उस समय में, एंड हैड सपोजली गॉट हिम लॉट्स ऑफ अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक हु पास्ड बाई, तो ये उस समय में एक अजीब सन एक बड़ा नयापन था, और उसमें माना जाता है कि उसने लोगों के ध्यान को
आकर्षित किया अपनी तरफ वो पास्ड बाय जो वहाँ से गुजरते थे। इन 1831 जॉन कैडबरी रेंटेड ए स्मॉल फैक्ट्री इन क्रोक्ड लेन। तो 1831 में जॉन कैडबरी ने एक छोटी सी फैक्ट्री को किराए पर लिया, रेंटेड बोलते हैं किराए पर लेना, किराए पर लिया। कहाँ लिया था? इन क्रोक्ड लेन, एक क्रोक्ड लेन एक जगह का नाम है क्रोक्ड लेन, वहाँ पर उन्होंने इस छोटी सी फैक्ट्री को किराए पर लिया। नॉट फार फ्रॉम हिज शॉप, जो कि उसकी दुकान से ज़्यादा दूर नहीं थी। एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोआ, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बना मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं निर्माण करना, बनाना, उन्होंने बनाना आरंभ कर दिया था ड्रिंकिंग चॉकलेट और कोकोआ। दिस लेड द बेस्ट फॉर द स्टिल सक्सेसफुल कैडबरी ब्रांड ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स। तो दिस लेड बोलते हैं दांव लगाना, तो उन्होंने दांव लगा दिया था फॉर द स्टिल सक्सेसफुल कैडबरी, यानी कैडबरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए उन्होंने ये दांव लगा दिया था ब्रांड ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स, जो चॉकलेट प्रोडक्ट का जो ब्रांड था उसको सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने ये दांव लगाया था। कैडबरी स्ट्रेस्ड ऑन हाउ प्योर द प्रोडक्ट वाज, कैडबरी थोड़े तनाव में रहते थे कि प्रोडक्ट को कैसे प्योर किया जाए, कैसे शुद्ध किया जाए। एंड यूज्ड मेडिकल टेस्टिमोनियल्स टू प्रूव इट, और वो एक मेडिकल यानी कि मेडिकल टेस्टिमोनियल्स को यूज करते थे इसको सिद्ध करने के लिए। टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं प्रमाण पत्र जो उसको सिद्ध करते थे। द मार्केटिंग ऑफ दिस कोकोआ एसेंस हेल्प्ड टर्न ए स्मॉल बिजनेस इनटू ए वास्ट वर्ल्ड वाइड कंपनी। तो इस तरीके से उन्होंने जिस कंपनी को वो बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो क्या होता है, द मार्केटिंग जो कर रहे थे दिस कोकोआ एसेंस की, सार की, ठीक है, हेल्प, इससे सहायता हुई थी किसके लिए, इन टर्न ए स्मॉल बिजनेस इनटू ए वास्ट वर्ल्ड वाइड कंपनी, यानी कि ये छोटा सा जो बिजनेस था वो एक विश्व स्तर पर पूरे विश्व में कंपनी के रूप में बन गया था, यानी कि उसका जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा फैल गया था। बाई 1842 जॉन कैडबरी वाज सेलिंग 16 लाइन्स ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोकोआ इन केक एंड पाउडर फॉर्म्स। तो लगभग 1842 तक जॉन कैडबरी ने लगभग 16 लाइन्स ड्रिंकिंग चॉकलेट की बेच दी थी एंड कोको और कोकोआ इन केक, कोका बेका था केक में, एंड पाउडर फॉर्म और चूर्ण के रूप में भी उन्होंने इस सारी चीज़ों को बेच दिया था। ए मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर द कोकोआ एंड चॉकलेट इंडस्ट्री केम इन द मिड 1850 सेंचुरी, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया था कोकोआ और चॉकलेट इंडस्ट्री में, कब आया था वो, लगभग 1850 के मध्य में, व्हेन टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड कोकोआ बीन्स वर रिड्यूस्ड, जब जो कोकोआ बीन्स थे उन पर जो टैक्स लगा हुआ था वो उसको रिड्यूस्ड कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, किसके द्वारा, बाय प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन, एक प्राइम मिनिस्टर थे मिल विलियम ग्लैडस्टोन के द्वारा, जो बीन पर टैक्स लगा हुआ था जिसकी वजह से वो महंगी आ रही थी उन्होंने वो टैक्स को कम कर दिया था। चॉकलेट प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल ए वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, और इसकी वजह से ये हुआ कि चॉकलेट जो प्रोडक्ट्स थे वो अवेलेबल हो गए थे टू ए वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की बड़ी संख्या में उनके लिए भी उपलब्ध होने लगे थे। जॉन कैडबरी सन रिचर्ड एंड जॉर्ज, तो जॉन कैडबरी के दो बेटे थे रिचर्ड एंड जॉर्ज, हु हैड जॉइंड द कंपनी इन द 1850, जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था 1850 में। स्टार्टेड रनिंग द बिजनेस इन 1860 आफ्टर देयर फादर रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ, तो उन्होंने उस बिजनेस को चलाने का मतलब आरंभ कर दिया था, तो कब, 1861 के बाद में, आफ्टर देयर फादर रिटायर्ड, क्योंकि उनके फादर रिटायर्ड हो रहे थे ड्यू टू इल हेल्थ, क्योंकि उनके फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी इसकी वजह से वो रिटायर हो रहे थे, और यानी कि उस बिजनेस को छोड़ रहे थे, इसकी वजह से उनको ये बिजनेस संभालना पड़ा था। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कोकोआ बटर अ न्यू रेसिपी वाज क्रिएटेड एंड चॉकलेट सिमिलर टू द वंस अवेलेबल टुडे एमर्ज्ड, तो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कोकोआ बटर, एक कोकोआ बटर की उपलब्धता के कारण एक नई सी रेसिपी बनाई गई थी, क्रिएटेड मतलब बनाई गई थी, एंड चॉकलेट्स भी बनाई गई थी सिमिलर टू द वंस अवेलेबल टुडे एमर्ज्ड, जो कि आजकल के रूप में उभरी हुई है, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं। द फर्स्ट एवर चॉकलेट बार वाज मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कोकोआ पाउडर, जो कि पहली बार चॉकलेट बार बनाया गया था, जिस चॉकलेट बार हम इसको बोलते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम चॉकलेट बार बोलते हैं, ठीक है, बनाया गया था, वाज मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कोकोआ
खुद कोकोआ पाउडर से बनाया गया था एंड शुगर उसमें चीनी भी डाली गई थी एंड विद ए लिटिल मेल्टेड कोकोआ बटर एडेड टू इट, और उसमें थोड़ा सा पिघला हुआ कोकोआ बटर भी इसमें मिलाया गया था, ऐड किया गया। द रिजल्ट वाज दैट दिस मिक्सचर कुड बी मोल्डेड एंड शेप्ड इनटू ब्लॉक्स एंड बार्स। तो इसका परिणाम ये हुआ था कि जो मिक्सचर था कुड बी मोल्डेड, सांचे में ढाला हुआ था, ठीक है, एंड शेप्ड इसको आकार मिला था इनटू ब्लॉक्स एंड बार्स का, ठीक है। इन 1904 में जॉर्ज कैडबरी वर्कड हार्ड ऑन क्रिएटिंग ए मिल्क चॉकलेट बार दैट हैड मोर मिल्क देन एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो 1904 में जॉर्ज कैडबरी ने थोड़ा सा कठिन परिश्रम और किया और एक मिल्क चॉकलेट को क्रिएट किया, यानी कि बनाया उसके लिए, जिसके लिए थोड़े और दूध की आवश्यकता होती थी किसी और प्रोडक्ट के अपेक्षा इन द मार्केट में। ईयर लेटर, लगभग एक वर्ष के बाद में इन जून 1905 में क्या हुआ था, इट वॉज अवेलेबल टू कस्टमर्स एज अनरैप्ड ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स बड़े थोड़ा सा छिपा हुआ है, दैट कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू पेनी वार्स। तो जून 1905 में क्या हुआ था, ये हर किसी कस्टमर के लिए अवेलेबल हो गई थी एज अनरैप्ड ब्लॉक्स, यानी कि खुले हुए ब्लॉक्स के रूप में, दैट कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू पेनी वार्स, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी तोड़ी जा सकती थी। इट ग्रेजुअली बिकेम ए सक्सेस एंड देन बिगेन द सर्च फॉर ए नेम फॉर दिस प्रोडक्ट। और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया था, यानी कि जो उन्होंने ये चॉकलेट बनाई थी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई थी, एंड देन बिगेन द सर्च फॉर ए नेम फॉर दिस प्रोडक्ट, और तब इसके लिए इसका नाम ढूंढने के लिए इस प्रोडक्ट का नाम ढूंढने का नंबर लग गया, यानी कि बिगन मतलब आरंभ कर दिया था इस प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया था, इस प्रोडक्ट का उन्होंने नाम ढूंढने का आरंभ कर दिया था। सेवरल ऑप्शंस वर कंसीडर्ड, बहुत सारे ऑप्शंस के विचार उन ऑप्शंस पर विचार किया गया था, एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉर्ज कैडबरी रिवील्स, और इसका जो विवरण था जॉर्ज कैडबरी ने खुलासा किया, हाउ दिस एवर पॉपुलर चॉकलेट गॉट इट्स नेम, कि इस पॉपुलर चॉकलेट ने अपना नाम कैसे प्राप्त किया था। ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम वर सजेस्टेड, कुछ नेम्स थे, कुछ प्रकार के नाम थे यहाँ पर सजेस्टेड हैं, हाईलैंड मिल्क है, जर्सी है, जर्सी एंड डेयरी है, मेड, ये कुछ नाम थे जो सजेस्ट हुए थे। बट व्हेन ए कस्टमर्स डॉटर सजेस्टेड डेयरी मिल्क, जब एक डॉटर की कस्टमर्स की बेटी थी उन्होंने सजेस्ट किया था डेयरी मिल्क, द नेम स्टक, तो ये नाम वहाँ पर उनके दिमाग में अटैक कर गया, स्टक कर गया। बाय द अर्ली 19th डेयरी मिल्क हैड बीन ओवर द मार्केट इन द यूके, लगभग 1920 तक डेयरी मिल्क ने पूरे मार्केट पर, मैंने पूरे यूके पूरे मार्केट में ये फैल गई थी। इवन टुडे, और आज भी, इट्स पोजिशन एज ए फेवरेट रिमेन्स अनचैलेंज्ड विद मोर वैराइटीज बींग अवेलेबल ग्लोबली, और तुम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इवन टुडे और आज तक भी इसका जो पोजीशन है वो एज ए फेवरेट अभी भी पसंदीदा के रूप में रिमेंस है, अनचैलेंज्ड है, बिना चुनौती के है, विद मोर वैराइटीज बींग भी अवेलेबल ग्लोबली, और विश्व स्तर पर जो उपलब्ध है बिना किसी चुनौती के आज भी ये पसंद किया, ये पसंदीदा है। कैडबरीज चॉकलेट आल्सो इम्प्रूव देयर पैकेजिंग, तो कैडबरी चॉकलेट की जो पैकेजिंग थी वो भी इम्प्रूव हुई थी, वो उसमें सुधार हुआ था। द प्रोडक्ट वर सोल्ड इन डेकोरेटेड बॉक्स, जो प्रोडक्ट थे वो बेचे जा रहे थे डेकोरेटेड बॉक्सेज में, सजे हुए बॉक्सेज में उनको बेचा जाता था, विद स्मॉल पिक्चर, जिसमें छोटी छोटी पिक्चर लगी हुई होती थी, देयर चिल्ड्रन कोड कट आउट टू स्टिक इन टू स्क्रैप बॉक्स, जिनको कि बच्चे उनको कट कर सकें और उनको स्क्रैप बुक में चिपका सकें। रिचर्ड कैडबरी एडेड हिज क्रिएटिव टैलेंट्स, और रिचर्ड कैडबरी ने भी उसमें अपना टैलेंट जो था, प्रतिभा जो थी, उसको भी उसमें ऐड कर दिया, एंड ब्रॉट इन मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव डिजाइन फॉर पैकेजिंग द चॉकलेट, और लेकर के आए थे बहुत ही आकर्षक डिजाइन फॉर पैकेजिंग द चॉकलेट, चॉकलेट की पैकेजिंग के लिए बहुत ही आकर्षक डिजाइन लेकर के आए थे। हिज ऑन पेंटिंग्स विद हिज चिल्ड्रेन एज मॉडल्स और डिपिक्टिंग फ्लावर्स एंड सीन्स फ्रॉम हिज ट्रेवल्स वर यूज ऑन द बॉक्सेज, तो उसकी खुद की पेंटिंग्स थी विद हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ में, एज मॉडल्स और डिपिक्ट, एक मॉडल्स के रूप में, या फिर और डिपिक्टिंग फ्लावर्स, यानी कोई चित्रण
फूलों का कुछ चित्र बनाया था। एंड सीन्स फ्रॉम, और कुछ में कुछ सीन्स भी थे फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, कुछ उसकी यात्रा के भी कुछ सीन्स थे, वर यूज ऑन द बॉक्सेज, यूज किए जा रहे थे बॉक्सेज पर, यानी कि कुछ चिल्ड्रन थे उसकी खुद की पेंटिंग होती थी, ठीक है ना, और कुछ अलग फूलों की भी चित्रकारी होती थी, और उसके कुछ ट्रेवल्स के भी चित्र थे वो उन बॉक्सेज पर यूज किए जा रहे थे। दीज वर द फर्स्ट डेकोरेटिव चॉकलेट बॉक्सेज मेड इन ब्रिटेन, और ये पहला एक डेकोरेट सजा हुआ चॉकलेट बॉक्स था जो कि ब्रिटेन में बनाया गया था। एंड वर वेरी पॉपुलर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सम ऑफ हिज ओरिजिनल बॉक्सेज स्टिल एक्सिस्ट, उसमें से कुछ ओरिजिनल बॉक्स थे वो एक्सिस्ट हो गए हैं, अभी भी चल रहे हैं या एक्सिस्ट हो गए हैं। दिज स्टाइलिश एंड एलिगेंट चॉकलेट, ये स्टाइलिश और जो सुंदर सी चॉकलेट थी, बॉक्सेज वर सॉर्ट आफ्टर एज स्पेशल गिफ्ट, खोज की गई, इनकी कोशिश करी गई थी कि स्पेशल गिफ्ट के रूप में वो उनको यूज कर सकें। द एम्प्टी बॉक्सेज कुड लेटर बी यूज एज ट्रिंकेट्स और बटन बॉक्सेज, जो खाली जो बॉक्स होते थे वो यूज किए जाते थे बाद में एज ट्रिंकेट्स, सस्ते आभूषण के, जो सस्ते आभूषण होते हैं ना उनको रखने के लिए सस्ते आभूषण के रूप में वो यूज किए। ट्रिंकेट्स देख लें यहाँ पर, पीस ऑफ ज्वेलरी एंड ज्वेलरी सस्ते आभूषण होते हैं, और स्मॉल अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट, कुछ अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं दैट आर नॉट वर्थ मच, में जिनकी ज़्यादा कीमत नहीं होती, ऐसे इसके रूप में वो यूज किया जाते हैं, बटन बॉक्स के रूप में यूज किए जा रहे थे। द पॉपुलरिटी ऑफ दीज ग्रांड कैडबरी बॉक्सेज कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये जो पॉपुलरिटी थी इस ग्रांड कैडबरी बॉक्सेज की कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चली। कैडबरी स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो, कैडबरी की जो मीठी मीठी जो खुशबू थी वो धीरे धीरे, जो सफलता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, उसने बढ़ना जारी रखा था। स्टिल फ्रेश होती थी एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती, इवन आफ्टर बींग ए मार्केट लीडर फॉर मोर देन 200 ईयर्स, और लगभग 2 वर्षों तक उसने मतलब वो मार्केट को लीड कर रही थी, यानी कि लीडर कर रही थी। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डिड जॉन कैडबरी डेकोरेट हिज शॉप, तो जैसे कि हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, चैप्टर में हमने रीड किया है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है, थोड़ी सी जुकाम हो गया है और आवाज़ थोड़ी ऐसी हो गई है, तो आवाज़ थोड़ी सी वैसी आ रही है। जॉन कैडबरी डेकोरेटेड हिज शॉप, तो जॉन कैडबरी ने अपनी शॉप को डेकोरेट किया था विद एन एक्सपेंसिव प्लेट, एक्सपेंसिव प्लेट के साथ में, ग्लास विंडो के साथ में, एंड एम्प्लॉयड चाइनीज मैन, और उसने एक चाइनीज मैन को एम्प्लॉयड किया था विद इन ए फुल नेशनल कॉस्ट्यूम, जो कि एक पूरी नेशनल कॉस्ट्यूम में था टू सर्व इन द शॉप, जो कि दुकान में खाना खिलाता था। क्वेश्चन टू है, हाउ डिड द कैडबरी कंपनी इम्प्रूव दियर पैकेजिंग, डिस्क्राइब, एक उस कैडबरी कंपनी अपनी पैकेजिंग कैसे इम्प्रूव किया उसमें बताना है। तो द कैडबरी कंपनी वाज इम्प्रूव देयर पैकेजिंग टू द न्यू डिजाइन इज द इंटरनेशनल पैक सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, द फाइन पर्पल एंड गोल्ड पैकेजिंग इज मींट टू पोर्ट्रे द रिच एंड क्रीमी टेस्ट ऑफ कैडबरी चॉकलेट, रिचर्ड कैडबरी एडेड हिज क्रिएटिव टैलेंट्स एंड ब्रॉट एन अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव डिजाइन फॉर पैकेजिंग चॉकलेट्स। क्वेश्चन थ्री देखेंगे, राइट ए नोट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ जॉन कैडबरी, जॉन कैडबरी की लाइफ पर थोड़ा सा एक छोटा सा नोट लिखना है, तो लिख लिया, छोटा सा लिखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जॉन कैडबरी वाज बॉर्न इन बर्मिंगम ऑन 12 अगस्त 1801 टू रिचर्ड टैपर कैडबरी एंड हिज वाइफ एलिजाबेथ हेड, इसमें मैंने उनकी वाइफ का भी नाम मैंने लिख दिया है। जॉन कैडबरी वाज फ्रॉम ए वेल्दी इंग्लिश क्वेकर फैमिली दैट मूव टू द एरिया फ्रॉम द वेस्ट ऑफ बंगाल इन 1794। जॉन कैडबरी डाइड इन 11 May 1889 इन बर्मिंगम, तो ये मर गए थे 1889 में। वाई वॉज कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट ए लग्जरी प्रोडक्ट इन इंग्लैंड इन 18, बिकॉज दैट टाइम चॉकलेट वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन यूरोप, बिकॉज द कोकोआ बीन्स ओनली ग्रो इन साउथ अमेरिका, स्वीट टेस्टिंग हॉट चॉकलेट वॉज देन इन्वेंटेड, ओनली द मोस्ट प्रॉस्पेरस फैमिलीज कुड अफोर्ड टू बाय दिस एक्सपेंसिव फूड, जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड द चेंज इन टैक्स रूल्स इम्पैक्ट जॉन कैडबरीज बिजनेस, तो आगे देखेंगे। जॉन्स कैडबरी बिजनेस चॉकलेट जो था प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल टू ए वाइड रेंज ऑफ पीपल,
आंसर। अब देखेंगे आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें रेफरेंस के साथ में कॉन्टेक्स्ट के साथ में क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो रेफरेंस इसका देखेंगे सेम है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द चॉकलेट फैक्ट्री, इसका कॉन्टेक्स्ट है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होता है कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट कैडबरी फैमिली हु हैड बिलीव्स दैट देयर प्रोडक्ट सर्व एज एन अल्टरनेटिव लीड्स टू देम टूवर्ड्स पॉवर्टी। हु आर द क्वेकर्स, क्वेकर कौन थे, तो जॉन कैडबरी थे और कैडबरी फैमिली पूरी कैडबरी में क्वेकर्स थे। बी व्हाट वर द क्वेकर्स स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, तो आंसर इसका द क्वेकर्स स्ट्रॉन्ग बिलीव्स वाज दैट दे वर लीडिंग टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन थर्ड है हाउ डू द क्वेकर्स वांट टू एरेडिकेट पॉवर्टी, इसका आंसर नीचे एडिशन टू यूज पॉइजनस सब्सटेंस इन प्रोडक्ट्स वॉज कंसिडर्ड द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड जॉन होप्ड हिज प्रोडक्ट्स सर्व एज ए अल्टरनेटिव। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है तो रेफरेंस सेम रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द चॉकलेट फैक्ट्री, कॉन्टेक्स्ट देख लेते कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होगा। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस व्हेन जॉर्ज कैडबरी वर्कड हार्ड ऑन क्रिएटिंग ए मिल्क चॉकलेट बार इन 1904। क्वेश्चन ए है व्हाट डिड जॉर्ज कैडबरी वर्क हार्ड टू क्रिएट, जॉर्ज कैडबरी वर्क्स हार्ड टू क्रिएटिंग ए मिल्क बार दैट हैड मोर मिल्क देन एनी अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। क्वेश्चन बी है इन व्हाट फॉर्म वाज मिल्क चॉकलेट अवेलेबल टू कस्टमर्स इन जून 1905, आंसर इसका इट वाज अवेलेबल टू कस्टमर्स एज अनरैप्ड ब्लॉक्स दैट कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू पेनी बार्स। क्वेश्चन सी है वेयर वर मिल्क चॉकलेट ए सक्सेस, गेट ए सक्सेस होगा यहाँ पर, तो वह मैं शायद लिखा नहीं है मैंने, पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि गेट है या नहीं, नहीं है गेट। वेयर वर मिल्क चॉकलेट ए सक्सेस, ये यही है, तो इसका आंसर इट ग्रेजुअली बिकेम ए सक्सेस एंड देन बिगिन द सर्च फॉर ए नेम फॉर दिस प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं, वर्क अधिक प्रफुल्लित करना, इमेमोरियल प्राचीन या बहुत पुराना, रैपर आवरण, सिनोनिमस एक समान जय होना, अनविटिंगली अनजाने में, ड्रेपरी लटकता पर्दा, मोर्टार ओकली पेस्टल मूसल, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध या मुख्य, एरेडिकेशन किसी चीज़ का पूर्ण विनाश होना, पॉवर्टी गरीबी कंगालिया दरिद्रता, एलिक्शन लत व्यसन या बुरी आदत, टॉक्सिक जहर या जहरीला कुछ पदार्थ होता है, अल्टरनेटिव एक विकल्प होता है, एलाय संभ्रांत व्यक्ति या समाज का विशिष्ट वर्ग, प्रॉस्पेरस समृद्ध, स्वीटेंड मीठा किया हुआ, अनस्वीटेंड मीठा ना किया हुआ, स्क्रैप खरीदना या बकोट ने फिर खर्चना, बेवरेज पेय पदार्थ, डिजायरस इच्छुक, न्यूट्रिटियस पौष्टिक, नॉवल्टी नयापन, कॉस्ट्यूम पोशाक, लेट दाब लगाना, टेस्टिमोनियल्स प्रमाण पत्र, एमर्ज्ड ओबरा मॉल्ड सांचे में ढाला हुआ, डेस्क्रिप्शन विवरण, रिवील्स खुलासा करना, अनचैलेंज बिना चुनौती का, ग्लोबली विश्व स्तर पर है, ये पार नहीं है, जो ग्लोबली को वर्ल्ड मीनिंग से विश्व स्तर पर है, बाय मिस्टेक ये पार लग गया है, तो अपीलिंग इसको पर कर लेंगे, अपीलिंग आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव को आकर्षक होता है, दोनों का एक जैसा मीनिंग है, आकर्षक एलिगेंट सुंदर होता है, ट्रिंकेट सस्ते आभूषण और पॉपुलैरिटी लोकप्रियता। यहाँ तक विविध वर्ड मीनिंग्स आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, अब आगे हम नेक्स्ट लेसन करेंगे कुछ समय के बाद।